बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेरी बहनों और भाइयों अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान भर से इंतहाई तकलीफ देह मनाजर आजकल देखने को मिल रहे हैं और ये मनाजर देखकर मेरा दिल बहुत अफसरदा है आज मुल्क का बेशतर हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है और पाकिस्तानी कौम एक अजीब कर्ब और तकलीफ में है सैलाब की तबाकारियों ने पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है और मुझे बहुत दुख होता है ये देख कर के हजारों अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं और अनगिनत घर सलाबी रेले में बह चुके हैं लोग उसकी वजह से बेघर हो चुके हैं बेशुमार मवेशी जो हैं वो लुकमा जल बन गए हैं सड़कें पुल और हमारा मुआसलाती निज़ाम दरम बरम हो चुका है बलाशुबा ये एक कुदरती आफत है लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये अपने गिरेबान में झांकने का भी वक्त है ये तौबा की भी एक घड़ी है यह अपनी सोल सर्चिंग का भी एक मौका है हमें देखना चाहिए कि कहीं हमारे अपने अमाल हमारी अपनी लफ्जिशें हमारी गलतियां तो इसकी जिम्मेदार तो नहीं अपने अमाल का भरपूर जायजा लेने का भी एक मौका है तो खुदा की मर्जी तो है लेकिन यकीन इन बातों को आप इग्नोर या रूल आउट नहीं कर सकते मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ मैं जिंदगी के तमाम ताल्लुक रखने वाले अफराद से अपील करता हूं खास तौर पे जो मुखिर हजरात हैं जो वेल टू डू हैं, जो साहेब हसियत हैं, कि वो सब कुछ अपना छोड़कर इन मुतासरी के लिए यकसू हो जाएं, और मैं इस मुश्किल घड़ी में अपनी कौम के और खास तौर पर अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम साहेब हसियत लोगों को हर एम ए को हर एम पी ए को और तमाम सियासी पार्टियों को और अपने कारकुनों को गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पर अपनी सारी सरगर्मियां एक तरफ रखें अपनी सारी मसरूफियात खत्म करें सियासी मसरूफियात को भी एक तरफ रखें और अपनी तमाम तवानाइयां सलाब सदगान के लिए उनकी मदद के लिए वक्फ करें मेरे अजीज बहनों और भाइयों ये वक्त कोई और काम करने का नहीं है हर तरफ फैले जो सैलाब और खुले आसमान तले जो बैठे लोग हैं हमारी बहनें हैं बच्चे हैं भाई हैं बुजुर्ग हैं माए हैं बेटियां हैं उनकी दिल खोल कर इमदाद कीजिए उनके जख्मों पे मरम रखिए और उनकी परेशान हाल जो आंखें हैं वो आपकी तरफ देख रही हैं आपकी इमदाद के मुंतजर हैं अपनी तमाम तर तवज कुदरती आफत का शिकार और इन अफराद की बहाली त... की तरफ मकजूल करें आप मुतासरीन सैलाब के लिए कैंप लगाएं मेडिकल कैंप्स लगाएं उनके खाने पीने का इंतजाम करें उन्हें खैमे मुहैया करें बुनियादी जरूरत जिंदगी की अशिया उन तक पहुंचाए और दवाइयाँ और कपड़ों का इंतजाम करें मैं शबाज शरीफ साहब को शाबाश देता हूँ कि वो इस काम पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं और सब मसरूफियात कैंसिल करके वो मुतासरीन सैलाब को रिलीफ देने के लिए अपना फर्ज अदा कर रहे हैं इसके साथ साथ मरीम नवाज शरीफ भी सलाबा इलाकों का दौरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आ, जा रही हैं उन्होंने प्रोग्राम मरतब कर लिया है और इनशाला वो भी जाकर वहाँ पर इमदादी कामों का जायजा लेंगी और मुतासरीन की मिजाज पुरसी करेंगी इनशाला उनका हाल मालूम करेंगी तो इन शाह शबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ कौम के साथ मिलकर दुखी इंसानियत का हाथ थामेंगे आप भी आगे बढ़ें और जिनके प्यारे लहरों की और सलाब की नजर हो गए उनके आंसू पहुंचे और इस मुसीबत की घड़ी में उनकी हर मुमकिन इमदाद करें और ये हद करें कि हम मुश्किल में घिरे अपने बहन भाइयों को किसी सूरत भी अकेला या तनहा नहीं छोड़ेंगे ताकि रोजे मैशर हम अपने रब के हजूर पेश होकर सुरखरू हो सकें अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दुखी इंसानियत की ख़िदमत के लिए तोहफी कता फरमाए और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकाले और तमाम सैलाब के मुतासरीन की बहाली के लिए अल्लाह ताली उनको और हम सबको तोहफी का तह फरमाए बहुत बहुत शुक्रिया